कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कोमा में जाने से सीकर के रहने वाले कैप्टन का निधन हो गया। उनका एक महीने तक बेंगलुरु में इलाज भी चला, उसके बाद पुणे लेकर के आए, वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। कैप्टन का आज सैन्य सम्मान के साथ सीकर में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारी, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, सीआई पवन कुमार चौबे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, मोहर सिंह गौड़, रतनलाल सैनी, विजय सैनी सहित सैकड़ों शहरवासी मौजूद रहे। सीकर के रहने वाले कैप्टन जागृत कौशिक के ताऊजी सुधीर कौशिक ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जागृत ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में 6 महीने तक नौकरी भी की। सेना में साल 2019 में सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर नौकरी लग गए। लेफ्टिनेंट के बाद पहला प्रमोशन कैप्टन के रूप में मिला। वे जम्मू कश्मीर रेजिमेंट में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग पहले सियाचिन बॉर्डर पर थी, इसके बाद उत्तराखंड के बनवासा में गए। वहां से जागृत कमांडो की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गए। कैप्टन कमांडो की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु के पास बेलगाम गए। ट्रेनिंग के दौरान 19 दिसंबर 2022 को उनके सिर के पीछे की तरफ की हड्डी क्रैक होने के चलते वे कोमा में चले गए। करीब एक महीने तक उनका बेंगलुरु में इलाज भी चला। इसके बाद एयरलिफ्ट कर पुणे रेफर किए गए, जहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया। कैप्टन के पिता हरित कौशिक वर्तमान में अंबुजा सीमेंट के नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। माँ हाउसवाइफ है। उनका बड़ा भाई सुरभित भी आर्मी इंटेलिजेंस में तैनात है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पोस्टेड है। कैप्टन जागृत कौशिक अक्टूबर 2022 में 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। इसी दौरान इंटरनल गेम होने के चलते ऐसे में बीच छुट्टी ही वे वापस चले गए। दोनों भाइयों ने नौकरी के चलते घर वालों को कुछ समय तक शादी के लिए भी मना कर दिया था। ये बताएं 2019 में उसने
ओपीए ज्वाइन किया था और उसके सक्सेसफुल होने के बाद में उसने 8 जेकलाई बनवासा ज्वाइन किया और तुरंत एक साल में वो कैप्टन भी बन गया और अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही थी कमांडो में, कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी जो कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था, उसके लास्ट स्टेज पे ये एक्सीडेंट हुआ है और उसके सर्वाइकल में इस तरीके से लगी कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाया कहीं पे भी। हादसे के बाद कितने दिन तक एडमिट रहे? ये 7 महीना तकरीबन एडमिट रहे, पहले बेलगाम में एडमिट थे केएलई हॉस्पिटल में, उसके बाद में 6 जनवरी को यहाँ पे लाया गया इनको पूना में कमांड हॉस्पिटल में, जो कि साउथ का मेन हॉस्पिटल है इनका और स्पाइन के लिए जाना माना हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो नहीं पाया। आज हमारे ही राधकपुरा क्षेत्र में जागृत कौशिक कैप्टन शहीद हो गए थे, उनकी रात को लेट आवर्स में गोली आई थी, रात से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे सफाई वगैरह करा के और सारा काम। राधकपुरा में एक बड़ी शोक की लहर थी, ये समाचार मिलते कि जागृत कौशिक कैप्टन शहीद हो गए एक्सीडेंटली, ये इनका कोई केस था 2 महीने से और उसके बाद ये परसों शहीद हो गए और कल इनकी बॉडी यहाँ आई थी। यहाँ सब मूलवासी और क्षेत्र के लोग हैं, बड़ी विडम्बना है कि यहाँ प्रशासन के कोई भी लोग नहीं है, एक कोतवाली पुलिस को छोड़ के और संबंधित थाना उधौनगर के भी कोई आदमी नहीं है। यहाँ जिला प्रशासन का होना बहुत ही नागवार ऐसा लग रहा है, जैसे जिला प्रशासन को कोई खबर नहीं, जबकि सब लोगों को पता था, हमारी बातें भी हुई, मीडिया को भी पता है, जिला प्रशासन पता है और उन्हें आना चाहिए था। इनकी अंत्येष्टि में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सब ने ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम यही कहते हैं जागृत कौशिक अमर रहे, जय भारत, जय भारत। कैप्टन जागृत कौशिक का आज शहीद होने पर अंतिम संस्कार यहाँ किया गया और कैप्टन जागृत बहुत होनहार अफसर था, बहुत सारे लोगों ने आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश जी शर्मा साहब, सामान्य रतन सैनी जी, विजय जी, हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश जी, और मैं ये कहना चाहूँगा वैसे तो होनहार के साथ साथ उनका पूरा परिवार ही बहुत नौकरी पेशे वाला परिवार है, सब लोग सर्विस में हैं, इस अंचल में उनकी बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन आज एक ऐसा संयोग भी देखने को मिला जो ऐसा अमूमन होता नहीं। देश की सेवा में जब भी कोई शहीद होता है तो प्रशासनिक अमला ज़रूर उस शहीद के अंत्येष्टि में रहा करता है, विशेष तौर से मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस पद के वो थे उस पद के अनुसार उनका जो डेकोरम बनता है उस डेकोरम के अनुसार एडिशनल अतिरिक्त जिला कलेक्टर या SDM तो होते ही होते हैं और विशेष तौर से SP और कलेक्टर भी जब ऐसी अंत्येष्टि की जाती है शहीद की तो उसमें रहा करते हैं, तो ये एक बड़ा दुख का विषय भी है। इस बात में भी आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, हम लोग भी इस बात का संज्ञान लेंगे कि किस कारण से वो इस शहीद के अंत्येष्टि में नहीं आ पाए। धन्यवाद, जय हिंद। कैप्टन जागृत कौशिक आज यहाँ अंतिम संस्कार किया गया है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, पुष्प चक्र अर्पित किया है। जैसे बड़े भाई ताराचंद जी ने बताया, जिला प्रशासन का भी फेलियर है, क्योंकि कैप्टन के पोस्ट के नायक यहाँ शहीद के बाद में शहीद का दर्जा जिसका यूनिट ने यहाँ दिया है और सब ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से न जिला कलेक्टर, न SDM महोदय, न जिले की तरफ से कोई प्रशासनिक ध्यान नहीं पहुँचा। यह हमारा दुखद विषय है कि हमारे राष्ट्र के सपूत जो इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बलिदान देते हैं, उनके सम्मान में उनको अवश्य पहुंचकर समय देना चाहिए। हमारे साथ महजी भाई साहब से भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पहुँचे हैं, हम प्रशासन का इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए।